मुजफ्फरपुर में सांसद सह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद से कांवड़िया सेवा शिविर संचालक और विभिन्न सेवा दल के सदस्यों ने मंत्री से मिलकर शामली मेले में मात्र दो हॉर्न की अनुमति को लेकर ज्ञापन सौंपा, जहां भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से उन्हें विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया गया, जैसे कांवड़िया सेवा शिविर में उपयोग होने वाली ध्वनि यंत्रों का उपयोग सिर्फ मनोरंजन हेतु नहीं किया जाता, खोया पाया की जानकारी के लिए भी किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा मात्र दो हॉर्न की अनुमति दी गई, ऐसे में दो हॉर्न की मदद से खोया पाया या किसी हादसे की जानकारी देने हेतु नजदीकी शिविर में आज आवाज भी नहीं पहुँच सकती, जिसके बाद मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने सेवा दल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वो जिला प्रशासन से दो के बदले चार हॉर्न लगाने की मांग रखेंगे। देखिए, आज मुजफ्फरपुर में माननीय मंत्री जी की सूचना मिली कि वो मुजफ्फरपुर आज उनका आगमन हो रहा है, तो इस सूचना के आधार पर पूरे मुजफ्फरपुर के जितने भी कांवड़िया सेवा शिविर के संचालक और सेवा दल वाले के साथ आज हम लोग मिले हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ। उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि एक सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए एक उचित साउंड सिस्टम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आप लोग बजाएं, आप लोग आगे बढ़ें, बढ़िया से बढ़ चढ़कर कांवड़िया का सेवा करें, यही उनके द्वारा आश्वासन मिला है। और आज हम लोग भी पूरी उमंग और उत्साह के साथ आज हम लोग भी तैयार हो गए हैं, सारे कांवड़िया सेवा शिविर उमंग और उत्साह के साथ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग हम लोग भी माननीय मंत्री जी से मिलकर ज्ञापन भी सौंपे हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल बढ़ चढ़कर आप करें, अच्छे से करें, कांवड़िया का सेवा हो, कांवड़िया की सेवा में कोई तरह की कोई कमी कोई त्रुटि ना हो, जिला प्रशासन का सहयोग करें बिल्कुल, और जिला प्रशासन का भी सम्मान करते हुए जो गाइडलाइन है जी गाइडलाइन का पालन करते हुए एक सीमित साउंड सिस्टम के साथ भी बजाया जाए, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, ऐसे जिला प्रशासन को भी किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। अरे ये गाड़ी किसने लगा दी यहाँ पे, अब क्या करूँ। अरे यहाँ तो ऑटो फायर का स्टिकर लगा है, इसके QR को स्कैन करके मैं इसके ऑनर को इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ले। अच्छा आप ही हैं क्या जिन्होंने ये ऑटो फाइल का QR स्कैन करके मुझे मैसेज किया था। अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अभी अपनी गाड़ी हटा लेता हूँ यहाँ से।